मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। मोहन यादव के आने से पहले पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम बनने के बाद मोहन यादव पहली बार बिहार दौरे पर हैं। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह दौरा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी की भी टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि बिहार बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि मोहन यादव का ये राजनीतिक दौरा नहीं है। मोहन यादव पटना में पार्टी कार्यालय के साथ ही दो और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के आमंत्रण पर वो बिहार आ रहे हैं। उनके बिहार आगमन को देखते हुए बिहार बीजेपी की ओर से जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। पटना हवाई अड्डा से जुलूस की शक्ल में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचेंगे। श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के बैनर तले समाज के विभिन्न क्षेत्र से आए लोग उनका अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन समारोह के बाद मध्य प्रदेश के सीएम पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। मंच की ओर से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनको सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। आज शाम में ही वो वापस चले जाएंगे। यादव जाति बिहार में लालू यादव के हार्डकोर वोटर हैं। आरजेडी के 15 साल के राज के पीछे भी यादव जाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मोहन यादव के चेहरे को आगे कर बिहार बीजेपी 14% यादव आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है। हालांकि देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है।